दुनिया। नमस्कार दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। मेरा हर वीडियो बनाने से पहले ये विचार रहता है कि मैं आपको कुछ अलग अलग बीमारियों के बारे में जानकारी दूं और उसका योग में क्या उपचार है। तो आज इसीलिए मैंने हर्निया के बारे में सोचा है। हर्निया क्या है ये मालूम होना चाहिए। पेट के अंदर की कोई मांसपेशी, टिश्यू या अंग अपने छेद या जो झिल्ली से बाहर आ जाए तो उसे हर्निया कहते हैं। अब जब हर्निया हो जाए तो लक्षण क्या हो? तेज दर्द पेट में, उल्टी और चलने फिरने में दिक्कत होती है। ये महिला या पुरुष किसी को भी ये शिकायत हो सकती है। और इसके जो कारण है, कारण में है सबसे पहला पेट की मांसपेशियों का कमजोर होना। ये जन्मजात भी हो सकता है और मोटापे के कारण भी हो सकता है, अक्रिय जीवन शैली या व्यायाम के अभाव के कारण भी हो सकता है। अब लगातार खांसी, जैसे उसमें धूम्रपान जो लोग करते हैं उनको लगातार खांसी बनी रहती है तो वो भी एक हर्निया का कारण है। प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने से मूत्र त्याग करने में व्यक्ति को जोर लगाना पड़ता है। अब ऐसे ही कब्ज की समस्या जिन्हें बनी रहती है उनको भी हर्निया हो सकता है, क्योंकि उसमें भी आप मल त्याग के लिए जोर लगाते हैं नीचे की तरफ और पेट की गुहा में कैविटी के अंदर सारे अंग एक जाल की तरह आपस में बंधे हुए रहते हैं। जब वो जाल के उनके नर्व या तंतु ढीले पड़ जाते हैं तो अंग अपनी जगह से खिसक के कहीं से बाहर भी आ सकते हैं और वो पेट की कहीं भी उभार के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह मोटापा भी है इसका कारण, गर्भावस्था में भी है। जब गर्भ का भार बढ़ जाता है तो तंतु फैलते हैं जिसकी वजह से भी महिलाओं को बहुत अधिक समस्या हर्निया की सिर्फ गर्भावस्था के कारण होती है। ये तो मैं आपको बोली कुछ कारण है कि जिसकी वजह से यह हर्निया की समस्या आती है। लेकिन हाँ, जो लोग योग करते हैं 101% ये बात सच है कि उनको हर्निया कभी नहीं होगा, क्योंकि हम जो भी अभ्यास करते हैं वो शरीर के सभी अंगों को, आंतरिक अंगों को मजबूत करते हैं। जब आंतरिक अंग मजबूत होंगे तो पेट के भी अंग तो उसी के अंदर आते हैं, वो भी मजबूत होंगे तो हर्निया हो ही नहीं सकता है। और अगर हर्निया हो गया है तो पहले ये देखना होगा कि इसके योग के द्वारा उपचार कितना संभव है। जिस हर्निया को अगर व्यक्ति लेटे और हम दबाएं तो अंदर चला जाए तो बाहर नहीं आए, बेशक खड़े होने के बाद बाहर आए तो उसका तो योग के द्वारा उपचार संभव है। पर जिस हर्निया को हम दबाएं और वो अंदर ही न जाए, वो किसी अंग में फंस के रह जाता है, नहीं जाता है, तो फिर गैंग्रीन वगैरह हो सकता है और उससे किसी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ऐसी अवस्था में डॉक्टर द्वारा दिखा के उसका उपचार जरूर करवा लेना चाहिए। लेकिन योग के द्वारा भी अगर आप कर रहे हैं तो किसी योग के प्रशिक्षक के द्वारा किया जाए ताकि इसका उपचार सही ढंग से हो सके। अब मैं आपको आज थोड़े से आसन बता रही हूँ कि अगर आपको मालूम पड़ा है कि आपको हर्निया हुआ है लेकिन अभी बहुत साधारण अवस्था में है तो 101% योग से अच्छा कोई उपचार नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको दो बंध लगाने सीखने हैं, क्योंकि इसमें सारे अभ्यास मूल बंध और उद्यान बंध के साथ है। मूल बंध यानी नाभि के निचले पोर्शन को ऊपर खींच के रखना, यानी एनस मसल्स यूरिन ट्रैक को ऊपर खींचना, और उद्यान बंध यानी पेट को अंदर पीछे सिकोड़ लेना पीठ की तरफ, नाभि को पीठ से लगाने की कोशिश करना, ये उद्यान बंध है। और ये अभ्यास हम जब करते हैं उद्यान बंध में सांस बाहर निकाल देते हैं और ये बंध लगाने के बाद ही हम पोस्चर बनाएंगे। तो तितली आसन जैसे मैं करने जा रही हूँ, जिसे आप बटरफ्लाई भी कहते हैं, तो ये देखिए मैंने सबसे पहले मूल बंध यानी नाभि के निचले पार्ट को ऊपर खींच लिया है और उद्यान बंध भी लगा लिया, यानी पेट मेरा बिल्कुल अंदर चला गया है और अब मैं आराम से इसको कर रही हूँ। इन दोनों
बंधों के साथ ही आपको सारे अभ्यास करने हैं। ऐसे बटरफ्लाई 1 मिनट तक के लिए करें। बटरफ्लाई के बाद मैं आपको शशांक आसन बताती हूँ। शशांक आसन के लिए वज्रासन में बैठें, फिर से वही मूल बंध, उद्यान बंध, सांस हल्की थोड़ी थोड़ी भरते हुए धीरे धीरे, लेकिन आप पेट को पीछे सिकोड़ चुके हैं, मूल बंध भी लगा चुके हैं। अब यहाँ पर बहुत धीमी गति से केवल सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पोस्चर मेंटेन करेंगे, लेकिन मूल बंध उद्यान बंध के साथ, छोड़ना नहीं है बंधों को। फिर जितनी देर रुक पा रहे रुकिए, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठते हुए आप बंधों को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन जब पोस्चर में रहेंगे तो मूल बंधों उद्यान बंध को नहीं छोड़ना है। और इसी तरह अब आपको मैं योग मुद्रा बता रही हूँ, शशांक आसन के बाद योग मुद्रा। योग मुद्रा के लिए या तो आप पद्मासन लगाएं या आप क्रॉस लेग बैठें, लेकिन बनता तो ये इसी के अंदर है, आप जिसमें चाहे उसमें कर लें। दोनों हथेलियों को एक के पीछे एक नाभि पर ला के लगा लिया। अब मूल बंध भी लगा लिया, उद्यान बंध, देखिए उद्यान बंध लगाने के कारण मेरा पेट बिल्कुल पीछे पीठ से लग गया है और अब मैं नीचे झुक गई हूँ। अब यहाँ पर मैं बहुत धीमी गति से हल्की हल्की सांस भरूंगी, छोड़ूंगी, क्योंकि पेट अंदर ही रखना है और आपको मूल बंध लगा के रखना है। इन दोनों बंधों के साथ इस पोज को आप कितनी देर कर सकते हैं ये आपके ऊपर है, आपकी क्षमता के ऊपर है। और फिर से सांस भरते हुए उठेंगे, बंधों को रिलीज कर देंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। ये था योग मुद्रा। योग मुद्रा के बाद गोमुखासन। गोमुखासन भी बहुत सरल है, इसके लिए ये बहुत अच्छा आसन है, इसके लिए हार्निया के लिए, हालांकि इसके बहुत सारे लाभ है, लेकिन हार्निया के लिए स्पेशल बहुत अच्छा इसमें है उपचार। मूल बंध उद्यान बंध के साथ ही करना है इसको भी। ये मैंने मूल बंध भी लगा रखा है, उद्यान बंध भी कर रखा है और पोज को मैं मेंटेन कर रही हूँ। आराम से धीरे धीरे सांस भरते छोड़ते हुए, पेट अंदर की ओर खींचा हुआ है बिल्कुल और मूल बंध भी लगा हुआ है। यहाँ आधा से एक मिनट रुकने के बाद बंधों को छोड़ दिया है और सांस भर लिए पूरी। ऐसे ही दूसरी तरफ से फिर से मैंने बंधों के साथ इस पोज को बना लिया है, लगातार सांस धीमी गति से ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ। बंधों के साथ पोज को बना सकते हैं। बंधों के साथ करने से पेट की आंतरिक मांसपेशियां मजबूत होती हैं और उस अंग की स्पेशल जहां पर हार्निया, जहां पर दिक्कत हो रही है, सशक्त होने से हार्निया से मुक्ति आराम से संभव है। आप चाहे तो मंडूकासन करें, पश्चिमोत्तानासन करें, कोई सा भी आसन करें, लेकिन पीछे झुकने वाले आसन नहीं कर रहे हैं। कपाल भाती का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको मात्र ये दो बंधों के साथ थोड़े से आसन करेंगे तो हार्निया से मुक्ति पाएंगे। अब मैं आपको लेट के कुछ सरल अभ्यास बता रही हूँ जो आप, लेकिन पेट के बल लेट के भी कोई अभ्यास हार्निया वालों को करना मना है, सिर्फ पीठ के बल और बैठ के जो मैं बता रही हूँ इसी तरह करना है। पेट पीठ के बल लेट करके सबसे पहले मैं आपको पवन मुक्त आसन बता रही हूँ, जो बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है, वही मूल बंध उद्यान बंध के साथ। यहां भी आप 1 से 2 मिनट रुकेंगे आराम से, अगर रुक पाते हैं तो, और नहीं तो कई बार रिपीट कर लें। आधा मिनट के लिए रुकते हैं तो सांस भरते हुए ढीला छोड़ेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। ये था आपका पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के बाद मैं आपको एक आसन और बता रही हूँ, हालांकि इसमें सर्वांगासन, विपरीत करनी, सारे आसन बहुत अच्छे हैं जो इसके लिए लाभदायक है, लेकिन नौकासन को स्पेशल मैं बोलूंगी जरूर करें। अगर कमर दर्द नहीं है तो बस आप इतना ही उठें, केवल इतना, और आप अगर इसको भी इतना इतना उठा लेंगे तो पेट की मांसपेशियां 100% इसी एक आसन से सशक्त हो जाएंगी, लेकिन वही मूल बंध उद्यान बंध लगा के रखेंगे तो बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा इसमें। 1 मिनट
इस पोज में रुकते हैं नौकासन में, तो ये आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए सर्वोत्तम आसन है। और इसके बाद मैं आपको विपरीत करने का बोलूंगी, हालांकि सर्वांगासन, हलासन, ये सारे बहुत अच्छे आसन हैं जो कि हर्निया के पेशेंट करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ आप विपरीत करनी करके बता रही हूँ कि क्या करना है। विपरीत करने के लिए कमर से लेके एड़ी तक का भाग मैंने दीवार से सटा लिया है बिल्कुल इसी पोज में, और उसके बाद मूल बंध लगाया, उड्डयन बंद कर लिया और अपने पैरों को ऊपर सरका लिया। ऊपर सरकाते हुए कमर को थाम लिया है। इस पोज में आप कितनी देर रुक सकते हैं ये आप देखिए, 1 मिनट 2 मिनट रुक सकते हैं तो रुकिए, लेकिन मूल बंद उड्डयन बंद के साथ रुके रहे, धीमे धीमे सांस भरते रहें छोड़ते रहें। अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो बेशक आप बीच में एक बार नीचे उतर के रेस्ट कर लें, दोबारा कर लें इसका अभ्यास, 2 से 3 बार इसका अभ्यास करेंगे तो ये भी आपको नौकासन की तरह हार्निया के लिए बहुत लाभदायक आसन है। अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि सर्वांगासन सभी लोग इसका अभ्यास नहीं कर सकते, जिनको सर्वाइकल हो, कमर दर्द हो, तो वो सर्वांगासन का अभ्यास नहीं कर सकते। विपरीत करने का अभ्यास वो लोग भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आज विपरीत करने करके बताई है। लाभ दोनों में समान रूप से है, तो आप इन थोड़े से आसनों को करके अपने हर्निया की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन जो लोग धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान छोड़ दें ताकि खांसी की समस्या से निजात मिले, और ऐसे ही अगर मोटापा है तो अपने फैट को कम करने की कोशिश करें, आहार को नियमित कर लें, अधिक मात्रा में एक साथ न खाएं, क्योंकि पेट की अधिक आहार खाने से पेट की मांसपेशियां फैलती हैं, तो अगर आपको उन्हें भी स्ट्रॉन्ग करना है तो उतनी अधिक मात्रा में बिल्कुल न खाएं, खाएं जरूर, भूखे नहीं रहना है, आप हल्का हल्का जिसमें फल सब्जी सलाद, ताकि वजन कम हो आपका, वजन कम करना बहुत जरूरी है। तो अगर प्रोस्टेट की समस्या है तो उसको भी उपचार करा लें। इन सब चीज़ों से अगर आप मुक्त हो जाएंगे तो हार्निया कोई कारण नहीं है कि न ठीक हो। मैंने बोला वो तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हार्निया अंदर जा रहा है कि नहीं, नहीं जा रहा है तब तो आप डॉक्टर को ही दिखाएंगे, और अगर वो जा रहा है तो 100% योग के इन आसनों से अपने हार्निया को ठीक कर सकते हैं। तो मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और अगर आप किसी को जानते हैं हर्निया की जिन्हें शिकायत है तो उन्हें जरूर ये वीडियो शेयर करें। मैंने सारे आसन बिल्कुल वही बताए हैं जो हर्निया के मरीजों के लिए बहुत लाभदायक है। नमस्कार, धन्यवाद।